मिठाई वाला। मानव मन में सुख और दुख की भावना संग संग विद्यमान रहती है। उसके लिए दुख की गंभीरता को छुपाने के लिए तथा जीवन जीने के लिए सुख देने वाले विषयों को अथवा कार्यों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। संतानहीन पिता ने खिलौने, मिठाइयाँ और मुरलियाँ बेचकर छोटे बच्चों में अपने बच्चों को देखने का प्रयास किया। सुख और समृद्धि व्यक्तित्व की देन है, भाग्य की नहीं। अज्ञात। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से टूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इसका दाम क्या है और इसका और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला हाथी कैसा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल में रखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, दो पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या हुआ, पहले खिलौने भी बेचा करता। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए फिर दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली।
किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथ ने पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, लेकिन आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहा सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं,
इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतना भी देता हूँ ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष संचय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वो सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं तो जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं, पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से दर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।